आया था कि हमारे नए बच्चे मीनाक्षी हुड्डा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई है अभी 2022 में और एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है एशियन चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियन है 2 से 3 बार, ठीक है, खेलो इंडिया हर जगह इनके भरमार है अचीवमेंट्स की, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बुलाया है ताकि स्पेशली आप देखो सीखो, ठीक है। विजय हुड्डा जी हैं हमारे साथी हैं, पुराने कोच साहब हैं, दोनों बच्चे इनके पास ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, बचपन से भी नया सेंटर था। All are fit? Yes, sir. Hit ho? Yes, sir. Ready ho? Yes, sir. ठीक है, good. बोलो, I am the champion. I am a champion. I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. God is with me. God is with me. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. बताओ भैया थोड़ा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो अपने बारे में, कि भाई किस तरह से कैसा, मतलब थोड़ा अपने सफर के बारे में। जैसे स्टार्टिंग में कोई भी काम शुरू करे ना, थोड़ा मुश्किल तो होगा कि स्टार्टिंग करना सबसे थोड़ा सोचे हुए कदे यो काम होगा या नहीं होगा, होया कि नहीं। थोड़ा शुरुआत करने से पहले तो थोड़ा हिचकिचाहट होएगी, लेकिन उसके बाद आप करने लग जाएंगे फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा उस चीज़ में। इंटरेस्ट लेने से बढ़ता है, वैसे तो किसी ने भी नहीं आता कोई काम शुरू में, तो पैदल चलना भी नहीं आता, वो भी अंगली पकड़ के सीखना पड़ा है ना। तो ऐसे ही बॉक्सिंग भी शुरू करी ना, तो कोच जैसे बतावे है उस पर विश्वास करोगे ना, अगर कोच जो बताओ वो सही होता हो, अगर आप करते करते नहीं सोचेंगे ना इसने के बिरा हाँ इसने के बिरा, तो कुछ भी नहीं आओ है। इंटरेस्ट लोगे ना इसकी बात में, जैसे बताओ हाँ जी चलूगा, देखा कोई एम भी गुजरा तो वो भी काम करना है, वो भी सारे बल्ले में हो, ठीक है। तो अगर जो स्टार्टिंग में सीखोगे ना, आराम आराम तक करना सीखे, न्यूपन जमाना सीखे, तो वो वही हैबिट बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसा सीखोगे वैसा ही चलेगा तुम्हारा। बेसिक सबसे मेन होता है बॉक्सिंग में, बेसिक पर जितना ध्यान दोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे आएगी। मेन होता है कोऑर्डिनेशन बॉक्सिंग में, हाथ पैर साथ में चलने चाहिए, ऐसा नहीं है पंचुआ मारने जा रहा है पैर यहाँ पे हैं। अभी तो तुमने शैडो भी नहीं आई होगी शायद, और फोकस करा करो, और लड़कियां थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है भाई, रेस्ट भी लिया करो, डाइट भी लिया करो अच्छी, स्मार्ट ट्रेनिंग करा करो, ठीक है। ये भी नहीं हमने बगत दिए बनता है घोड़े बना करो, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन बढ़िया दौड़ो उस चीज़ में, इंटरेस्ट ले कर करा, मतलब न्यू न्यू है ना अच्छी करें फिर भी न्यू न्यू कर गला गया रहा, उसका कोई फायदा को नहीं, जितनी एक बार करा है बढ़िया करो उस चीज़ में, उस चीज़ में इम्प्रूव होगा हमारा, ठीक है। और था बताओ कि मैं ये लड़कियाँ भी बॉक्सिंग करती Anything you want to ask, you ask. Any query is there? Himanshu, Dipanshu, Daksh. Yes. Got such a great place, such a great teachers, such a great environment. देखो यार ग्रीनरी कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हवा है. This is the perfect place for the sports, for the games. Everything we are having. Such a I have seen first time in Sonipat district. If any school is having synthetic basketball court. But you are having. Have you seen anywhere? You people are also going visiting different schools. Have you seen anywhere? No, sir. Such a, everything is provided to you. Everything.
whole is set up. But where we people are lacking, we are not lacking there also, but where mostly people lack is the psychology. Psychology is the single thing. मानसिकता ही वो चीज़ है जहाँ पे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से पीछे रह जाता है. स्किल्स, लेफ्ट मारना, राइट मारना सभी को आता है. नाउ ऑल द कोचिज आर क्वालिफाइड एवरीवेयर. सब कुछ है, सबको स्किल पता है, टेक्निक पता है, शेड्यूल पता है. ये चीज़ें अब किसी से छुपी नहीं रही है. बहुत कुछ डेवलप कर लिया है स्पोर्ट्स के. बट क्या है, वट मेक द डिफरेंस इज द साइकोलॉजी. एक बच्चे की साइकोलॉजी जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, और जो बच्चा नीचे रह जाते हैं, जो बच्चे कम मेहनत करते हैं, उनमें सिर्फ एक ही फर्क रहता है, डेट इज साइकोलॉजी, सोच का, मानसिकता का. दूसरा संगत का, कि आपका साथ किस तरह से, किस तरह के लोगों के बीच में आप हैं, जो आपको अच्छा बताएं, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके साथ आप रहें. जो आपको ट्रेनिंग, कुछ दोस्त ऐसे भी मिलेंगे नहीं, आज को किसी का बर्थडे है, आज ट्रेनिंग छोड़ के वहाँ चलते हैं, है ना. खिलाड़ी को मैं एक ही चीज़ बताता हूँ मन के बारे में. मन जो है ना, मन को समझो, क्या समझोगे मन को, बैल. और तुम्हारी आत्मा है किसान. जिस तरह से किसान किसी बैल को खेत के अंदर खूब काम लेता है, वैसे ना अपने शरीर को बैल समझो. आप जब ट्रेनिंग सेंटर पे आ गए ना, तो शरीर को खूब रगड़ना, फिर वही किसान उसको क्या करता है, जब घर पे लेके जाता है, उसको अच्छे से नहलाएगा, उसको अच्छे से चारा डालेगा. यही काम एक खिलाड़ी का है. प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, बैलेंस्ड डाइट लो, अच्छा खाना खाओ. योर 70% परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द डाइट प्रोग्राम यू आर फॉलोइंग. ठीक है, परफॉर्मेंस का जो भी है, सारा का सारा डाइट के ऊपर निर्भर करता है ट्रेनिंग के बाद. ठीक है ना, अगर डूइंग कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, अगर आपका डाइट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत लो रहेगी. तो जिस तरह से किसान उसी बैल की सेवा भी करता है, और उसी बैल को खेत में ले जाके खूब रगड़ता भी है ना, उससे हल भी चलवाता है ना, उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है, तो इसी तरह से खिलाड़ी को अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है. भगवान ने इस शरीर को दिया है काम में लाने के लिए, इससे जितना हो सके उस काम में लेकर, फिर इसकी सेवा भी करनी है घर जाने के बाद. दोनों ही काम करने हैं, इसकी सेवा करना मत भूल जाना. ठीक है, नहीं तो इसके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, अकड़ आ जाएगी, इंजरीज डेवलप होने लग जाएंगी. ठीक है ना, तो अपनी अंतर आत्मा को जो है किसान जो बना लेगा अपनी अंतर आत्मा को, जिसका किसान के जैसा मन है, किसान से पवित्र कुछ भी नहीं मानता मैं, जिसका किसान के जैसा मन है ना, वो हमेशा आसमान को छूता है. ठीक है, हाँ, समथिंग यू वांट टू आस्क? ट्रेनिंग तो सब करें करते ना सब, लेकिन जो कंफर्टेबल जो है ना, अगर ना भाई मैंने इतना दौड़ना है, इस तक दबा दूँ तो मेरे थकान हो जाए, सांस फूलने लग जाए, होया गया ना वो मैं इतनी से पेस में दौड़ती रहूँ. अगर आप उस पेस से ऊपर नहीं बढ़ाए ना, तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता. अगर होता है कभी, जो एक कम्फर्टेबल जोन होता है ना, उससे बाहर निकलना सबसे मेन होता है. रिंग में फाइट करे जाओ, करे जाओगे, और जो कुछ जी जान पे इसमें लड़ेगा ना, तो तीनों हो जाए ना भाई, यह भी लास्ट है, यो भी लास्ट राउंड है, यो भी लास्ट राउंड है, तब जाके नाद में जीत गया. न्यू नहीं भाई, एक राउंड अड़का कर लूँगी, अगले में अच्छा कर लूँगी, फिर उसका अगले लास्ट राउंड उसमें जोर लगा के दो राउंड तार गए, तीसरे जोर लगाएगा, क्या फ़ायदा होगा? होगा कुछ फ़ायदा? अभी तुम बच्चे हो, जब कुछ टाइम बाद जीतोगे हारोगे, कभी जीतोगे कभी हारोगे, और हार से बहुत सीखोगे. जीते पीते तो सब कह देंगे शाबाश बहुत अच्छा खेला, शाबाश बहुत अच्छा खेला, होता ना सिर्फ. और जब तुम हार जाओगे ना, हारने के बाद तुम्हारे में सारी कमी हो जाती है. ऐसे बोले तू घूमता रहता है, रेस्ट नहीं करता, ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं है, मतलब सारी बात सुनने मिल जाएगा. हारे पीछे मिलेंगी, जीतने के बाद कोई नहीं गिराता. जीत जाओगे, हार भी रहे होगे ना, तब भी जीत जाओगे, तब भी क्या कहेंगे तेरे साथ कोई भी नहीं खेला. आगे खेलोगे ना जब, ये सारी बात सुनने मिलेगी.
लेकिन इन सब बातें इग्नोर करते ना आगे बढ़ते रहोगे तो अच्छी बात रहेगी। मान लो हार गए कोई बात ना, हार जीत तो गेम का हिस्सा ही, मैं खेलूँ तो मैं हारूंगी, ये जो खेलता है जो हारेगा कितना और वो किससे जीतेगा भाई, बड़े बड़े कई सवार होगा गिरा देगी, ऐसा होता ना। तो यही है भाई, खेलोगे तो हारोगे और हारोगे तो जीतोगे, ये जिंदगी है, कदे हार जाओ कदे जीत जाओ, लेकिन हारे पीछे जब कोई नहीं होगा ना, ना तो कुछ नहीं कर सकता ना तो बन सकता, उस चीज ने इग्नोर करो, उस चीज ने दिल पे नहीं लेकर देते, ठीक है। मेरा दूसरे दिन किए था ये, मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलती रहूँ, मैं तो बोली मेरे बस का ही बोली, मेरे बस का ही बोली, ऊपर ले मनता तू मैं और भीतर मेरा क्या है, तो थोड़ी बचा फिर बताओ, ऐसे होता ना, ऐसे होता है। कोई बढ़िया लड़की हो, मैंने मेरा बाबू तुम भी तो कुछ छोड़ दिया हुआ, हाथ छोड़ दिया हुआ, पहले न्यू कहने लग गया मेरे जैसी तो ना कुछ सा बस पान है, मतलब कंपटीशन में कुछ हो ना आज तक तो रही है बुखार हार रहा जीत जाता है वाह वाह, और ना तो भाई पहले गए दिन ना फिट रहा था ये सब है ना। तब ऊपर ले मन तक कुछ भी कहते हो ना, और फिर एक बार मन मत नहीं हुआ हाँ या कोई इसका चारा थोड़ी है, मैं किसी हूँ मैं इसका फालतू प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा ना प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है जितना हुआ ना। तीन राउंड अगर सेट हो गई ना इतनी फास्ट कर दे, उसने पाँच राउंड कर दे मान ले तो रिंग में तीन राउंड करने पड़े हैं, क्या सोचोगे शेडो में तो मैं इतनी पंच निकाल देता है, पांच राउंड में या तो तीन राउंड है मेरी थकान पाऊंगी, अपना आत्मविश्वास जिसमें होगा ना वो कदे भी मार नहीं खाओगा, अपने तो ज्यादा अपने आप ने कोई नहीं जान सकता, कौन सिर्फ मोटिवेट कर सके कर सके ना, दो बात बता के चला जाऊंगा, लेकिन करना आपा नहीं है, अपना दिल समझाना किसी तरह समझा लो, एक बैठ के नहीं सोचे कोच ने तो कहती मेरा ना होगा कि ना, एक हाँ कोच ने कहता वा बढ़िया बढ़िया की है, कोच ने करके दिखाऊंगी इतनी बार, एक मन में यह चीज आओ ठीक है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना अपनी वो है अगर बस में, और वो जब बढ़ेगा भाई जब तुम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, सोचने से कुछ नहीं होता करने से आती है वाजी बता कर, मैं भी चले जाऊँ लेफ्ट मार देनी राइट मार देनी गोडी मार देनी साइड स्टेप दिख जानू, जब थोड़ा वह चीज़ देख करिए नहीं तब कर कैसे दोगे उस चीज़ में, कर दोगे ये मैं कह दूँगी एक किलो चिकन खाना भाई तुमने कभी हाथ से नहीं लाया बंदे तुम्हें देखे दो कैसे खा दे नहीं खा सकता ना, पहले थोड़ा फिर गणा फिर गणा फिर गणा डेली हैबिट होगी जब होगी वह चीज़, ठीक है। अपने टाइम का बस प्रैक्टिस पे अच्छे से तैयार हो गए ना, सुबह भी शाम ने भी कोच की भी अच्छी रिस्पेक्ट करोगे भाई, जब मैं कोच मेरे लेगा तब ना टाइम से आना थोड़े वही तरीके से आओगे, कोच बिकेगा मन मन मगा देगा भाई देखेगी वो एंडी कि मन नहीं कोई नहीं कोचन है वह ना, तो सिस्टम भी सबसे जरूरी होता है भाई, अनुशासन सबसे मेन, ठीक है। टाइम से आना टाइम से जाना, जा कर अपने कपड़े चेंज करें नहाओ धोवे प्रॉपर रेस्ट करें डाइट लेवे, प्रैक्टिस तो 40-50% हो जाती है ठीक है, रेस्ट और डाइट होती है मैं प्रैक्टिस करके दो घंटे पूरा दिन डक 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 उधर कभी उसके वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं, फायदा है ऊपर से बुखार और हो जाएगा तुम्हारा हांड हांड के थकान भी जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस करो अच्छा डाइट लो और अच्छा रेस्ट करो, सारी चीज़ साथ मिला के चलोगे ना तब इम्प्रूवमेंट होता है, हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है, कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा अगर होता है ना, से सुबह प्रैक्टिस करना थी नींद छोड़नी पड़े जो कि बहुत पहली लाते हैं डेली नू सो उठ के उठते हंस के मैं चीज़ करूँ सर दो रात ऊपर पैंडा चटवाऊँ वो अगर ना कई बार तो इतनी कसूती नींद आओगी भाई, ये सब की लाइफ में होता है, कोई कितना बड़ा प्लेयर बन गया हो सबकी अपनी कहानी हो गया, जो कामयाब हो जाएगा वो अपने बता देगा, जो कामयाब नहीं होगा उसने कहेगा यू सब देगा ये भाई बात था उसमें कभी काट देंगे, और जो कामयाब हो जाएगा ये घर में भी माने वो जो बुला देने होगा भाई यू सब देता है, स्टार्टिंग से ही मेहनत है ये घर वाले बोलते ना, अरे एक बंदा इतनी प्रैक्टिस करे जाएगा वो कामयाब नहीं हो के कहेंगे इसने कुछ नहीं करना था ये शुरू से ही दिखे ऐसा ऐसा होता ना, प्रैक्टिस करा करो भाई अपने बड़े की मान्या तो मैं
और प्रैक्टिस का मिलेगा जरूर भाई, बॉक्सिंग में नहीं पढ़ाई मिल जाएगा, पढ़ाई में असल में तो गेम में मिल जाएगा, जो थोड़ी शिद्दत कोई चीज मांगी जाए तो मिला करे ना, ऐसे ही गेम है, ऐसे ही पढ़ाई है, हर चीज अगर कोई शिद्दत चाहिए तो मिल जाए। और था बताओ कुछ, कोई परेशानी हो मारा कोच के मैं डांट डूट मार देता हो, डंडे भी मारेगा भाई कोच से, बिना गलती भी खाने पड़ जा कई बार, गलती पे तो पड़ते वो गेम वाली बात है, फाइट में भी पट्टेगा हारन वाला भी और पट्टेगा जीतन वाला भी, जीतन वाला और ज्यादा पट्टेगा, हारन वाला तो एक फाइट हार के वो तड़ उतर जा, वो जो जीते उसने अगली फाइट में फिर पिटना, फिर जीते अगली फाइट में फिर पिटना और फिर जीतेगा, जीतन वाला ज्यादा पट्टेगा, अच्छा फाइट अच्छा है, पिटे तो बराबर है, थोड़ा ही फर्क रहा है 19-20 का, कोई कितना ही बढ़िया प्लेयर होते पिटेंगे दोनों, पर जो लास्ट पे जीत आ रही है थोड़ा दिमाग पे खेल जाएगा वो जीत जाएगा, अगली फिर पिटती लहर जाएगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने जो भी बताया उसको देखो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज, इन्होंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को बताया, ठीक है, जो साधारण जुबान में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, क्योंकि साधारण भाषा बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाती है, उसको कहेंगे स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इन्होंने बताया कि रेगुलर रहो, वो क्या है, खेल के नियम है, खेल के सिद्धांत है, ये बॉक्सिंग खेल के जो ना सिद्धांत है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार आओ, बीच में अगर आप ब्रेक करते हो तो आपके मसल्स मेमोरी में भी डिफरेंस आता है, ठीक है, बॉक्सिंग के अंदर मसल मेमोरी सबसे ज़्यादा काम में आती है, ठीक है, आपकी जो अलाइनमेंट है, बॉडी की अलाइनमेंट है, पंचिस की अलाइनमेंट है, जो एक्यूरेसी है उसके अंदर फर्क आ जाता है, ठीक है। एक बार खेल में ऐसा भी होता है कि बहुत से खिलाड़ी बीच में गैप करते हैं, रेस्ट लेते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, आज मेरे कंधे में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, उनके साथ कमी कहाँ आ जाती है कि वो लगातार जब रेगुलर नहीं आते तो उनके पंचेज में, उनके फुटवर्क में दिक्कत आ जाती है, फिर वो उसी तरह से आदि हो जाते हैं। आदि किस तरह से होते हैं, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी इस तरह से डेवलप हो जाती है, क्योंकि बॉक्सिंग जो सारा खेल है वो एक्शन रिएक्शन का खेल है, उनकी बॉडी मूवमेंट में, हेड मूवमेंट में कमी आ जाती है, इसीलिए बॉक्सिंग के खेल में जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इन्होंने बताया कि अपनी लिमिट्स को पुश करो, लिमिट्स को पुश करने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ठीक है, जब भी आपको एक कदम से, जब भी आपको आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाना पड़ता है, ठीक है, इसमें तीन स्टेजेस आती हैं आपकी, सबसे पहले बेसिक है, फिर मीडियम है, फिर एडवांस लेवल है, ठीक है, जब भी आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की बात हो, चाहे वो मसल पावर को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो आपकी टेक्निक्स को डेवलप करने की बात है, आपके रिएक्शन रिएक्शन को डेवलप करने की बात है, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लोड का इस्तेमाल करते हैं कोचेस, यानी कि थोड़ा सा दबाव और बढ़ा देंगे। अगर साधारण भाषा में इसको मैं कहूँ कि अगर आपकी क्षमता आज 12 किलो वजन उठाने की एक हाथ से, तो आप क्या करेंगे, 12 किलो 100 ग्राम उसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम और ऐड कर देंगे, ठीक है, वो है अपनी लिमिट्स को पुश करना। कंटिन्यूसली आपका क्या काम है खिलाड़ी होने के नाते, कितना करना है डेट कोच विल टेल, पर आपका खिलाड़ी होने के नाते क्या फर्ज है कि आप अपने आप को खुद आगे पुश करने के लिए मन से तट पर रहें, ठीक है, लेकिन आपका सबसे पहला जो काम है समय पे आना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बॉक्सिंग खेल जो है उसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है अपने कोच को सुनना, क्योंकि देखिए मैंने बॉक्सिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन खेल मैंने आज तक कभी देखा नहीं, कि दो बॉक्सर रिंग के अंदर लड़ रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द वॉर, जंग हो रही है, कई बार ऐसी भी बहुत सी फाइट्स होती हैं, ठीक है ना, कि एकदम आपको लगेगा तो पूरी जंग है, ये कोई बॉक्सिंग मैच नहीं है, ठीक है, तो बॉक्सिंग इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज समथिंग अबाउट कॉन्टैक्ट, बट वट द क्वालिटी ऑफ दोज पीपल, दे आर हिटिंग पुशिंग एवरीथिंग, दे आर गोइंग थ्रू द वॉर, बट वंस दे रिसीव द कमांड फ्रॉम द रेफरी स्टॉप, दे विल इमीडिएटली स्टॉप, दिस इज द डिसिप्लिन, क्योंकि उनको पता है उनका खुद का कुछ नहीं, वट दे आर डूइंग, दे आर शोइंग देयर स्किल्स, ठीक है, तो डिसिप्लिन यानी कि कोच की कमांड को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, और समय पे आना, समय पे जाना, उनकी बातों को मानना। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मीनाक्षी हुड्डा, प्लीज कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम, शी इज वेरी शाय, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ये छोटी बहन है हमारी, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे,
बहुत ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हम आने वाले समय में ओलंपिक्स में इनको देखेंगे. कैन यू रिकॉग्नाइज हर, वेयर वेयर इज शी हियर इन योर रिंग एरिना? कैन यू रिकॉग्नाइज हर? वेयर इज हर, वेयर इज द फोटो? यू कैन रिकॉग्नाइज इट? शी इज स्टैंडिंग विद लवलीना एंड प्रवीण हुडा, है ना? तो अभी तो यही मेरी भगवान से कामना है, और इस सपने को सबसे आज सबसे अच्छा लग रहा है कि जो ये पौधा मैंने लगाया था, इस सपने को मैं आज साकार होते हुए देख रहा हूँ. यहाँ भले ही छोटा सा कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आने वाले समय में यहाँ बड़े बड़े कंपटीशन भी होंगे, मेरा ये वायदा है आप लोगों से. और जिस तरह से बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे लिए एक सपने के जैसा है, सपने के साकार होने के जैसा है. मीनाक्षी, अपनी छोटी बहन से गुजारिश है, एक बड़ी तरह के इनको बता दे बेटा थोड़ा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में. क्लैपिंग क्लैपिंग. बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल, और यही इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि शी इज ऑन द टॉप लेवल. दिस इज हर क्वालिटी, कि अपने काम से मतलब है, अपने काम से मतलब है, अपनी ट्रेनिंग से मतलब है. ठीक है, ये वो खिलाड़ी हैं जो बाहर कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन रिंग के अंदर अपना दम दिखाते हैं. आप लोगों ने बहुत से इनकी फाइट्स भी देखे होंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ इनकी वीडियोस कुछ साझा करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इस खिलाड़ी का स्तर क्या है, इसका कद क्या है. मैं कोच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इनके बारे में बताएं. विजय हुड्डा जी इनके बड़े भाई भी हैं, ठीक है, और प्रशिक्षित भी हैं, बचपन से संभाला भी है, और हमेशा साथ रहे हैं साई की तरह. जहाँ भी मैंने इसको देखा है, मीनाक्षी को देखा है, मैंने हुड्डा साहब को उनके साथ ही देखा है. लो, विजय हुड्डा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आशा करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे. मैं बॉक्सिंग कोच विजय हुड्डा, मेरा गांव रुड़की है. कंटिन्यू 12 साल से ट्रेनिंग वहाँ बॉक्सिंग की करा रहा हूँ, और लगभग 10 लड़कियाँ वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल स्तर पर. जैसे अभी कोच साहब ने बताया, कोच साहब मेरे अच्छे साथी हैं. अभी कोच साहब ने बताया कि मीनाक्षी और आपके अभी जो पहले बातचीत हुई है शिक्षा नरवाल, इनकी जो लाइफ है वो आप, मैं अभी आपसे साझा करता हूँ. मैं स्टार्ट करता हूँ मीनाक्षी से. मीनाक्षी के जो पिता हैं वो एक ऑटो ड्राइवर, मीनाक्षी ट्रेनिंग के लिए आती थी 2012 से. तो आप ये मान के चलो ऑटो ड्राइवर एक दिन में कितने पैसे कमा लेता होगा, 300, 400, 500. उसमें घर का भी खर्चा चलाना होता था, साथ में इसकी डाइट का भी ध्यान रखना होता था. तो जो भी इनके पिताजी कमाते थे उनमें से आधे पैसे की वो इनकी डाइट लेके आते थे. और सबसे बड़ी बात ये रही, ये लड़की आज से नहीं, स्टार्टिंग से गेम में सबसे पहले है अनुशासन. अगर अनुशासन नहीं है तो गेम में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे. दूसरी चीज़ है अपने कोच की रिस्पेक्ट कितनी करते हो, उसकी मानते कितने. तो कोच की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है. अगर हम कोच की या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते जिंदगी में भी, कभी भी. अभी ये जैसे मीनाक्षी है, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग कंटिन्यू. और इनका स्टार्टिंग हुई थी जैसे सब जूनियर, जूनियर से जूनियर में नेशनल चैंपियन रही. उसके बाद ये यूथ में आई, यूथ में भी नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल लेवल स्तर पर सर दिया हुआ अचीवमेंट. कोच साहब ने भी आपको इन्होंने बताई हैं, जैसे कि अभी ये 2016 से नेशनल कैंप का हिस्सा है, जो पहले दिल्ली अभी पटियाला चल रहा है. तो बार बार यहाँ लगभग दिन में कोई कहता ना 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम ट्रेनिंग काफ़ी है. ये 3 घंटे सुबह करके फिर 1 बजे के बाद 1 से 3 बजे तक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करती हैं, फिर शाम को 4 से लेकर 7:30 बजे तक ट्रेनिंग करती हैं दोनों लड़कियाँ. शिक्षा नरवाल बता दूँ, मेरे गांव से जाने ट्रेनिंग करने आती हूँ, वहाँ से इसका गांव 15 किलोमीटर है. बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो,
पर इसकी कभी भी ये अभी कोच साहब बता रहे थे कंटिन्यूटी, जब तक आप लगातार नहीं आओगे। बॉक्सिंग क्या है, आपने एक वीक ट्रेनिंग की, दो दिन रेस्ट किया, वो एक वीक था वो पीछे चले गए, वो जो सीखा वो भी पीछे चले गया, वो दोबारा लेके आना, फिर अगले वीक में उसी स्टेज पे पहुंचना। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। दोनों बॉक्सर इतनी अच्छे लेवल पे रही हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियन, इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इनकी, और नेशनल ये शिक्षा नरवाड़ा भी कंटिन्यू 3 times सीनियर नेशनल चैम्पियन, एक बार चैम्पियन बनने में लगभग कई बॉक्सर तो ऐसे होते हैं मतलब निकल ही जाते हैं, चैंपियन बन नहीं पाते। ये कंटिन्यू लगातार 54 kg में चैंपियन है। अभी आप ये शिक्षा बता रही थी कि उतार चढ़ाव तो आता ही रहता बॉक्सिंग में, मैं बता दूं अभी नेशनल में इन्होंने जिस लड़की को 4-1 से हरा था और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल चल रही थी, तो बिना ट्रायल ये तो ये कहते हैं ना कि किस्मत, बिना ट्रायल ये जो लड़की इसने 4-1 से रही, कोई ट्रायल वगैरह नहीं, डायरेक्ट उसको सिलेक्शन दे दिया गया। तो ये हार जीत तो चलती रहती है, जस्टिस अनजस्टिस आपके भी साथ होगा, पर क्या है हार हमने नहीं मानी, आगे बढ़ते रहना है। और कोच साहब के मार्गदर्शन में तो मैं तो भाई इनसे काफ़ी छोटा हूँ, मेरे से काफ़ी सीनियर है, हम तो इनसे सीखा है, तो अपने रिस्पेक्ट करो कोच की, जितने भी हो सके जो कमांड करते हैं उसको फॉलो करो, ठीक है। और परिवार में सभी के में मुसीबत है, ये नहीं कोई भी भाई मैं करोड़पति से हूँ या 2 crore का, ये कुछ नहीं है, बस डाइट में भी ये केवल दूध या रोटी या मक्खन खा के ये यहाँ तक आए हैं, सप्लीमेंट का इनको पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। और ये अभी जैसे शिक्षा ने बताया था नॉन वेज 1 kg, आज तक मैं कौन से दोनों में से एक भी लड़की को अगर अंडा भी दे दो अभी तो टच करके दिखा दे, तुम मान जाऊंगा उल्टी डाल देंगे। तो शाकाहारी भी इस लेवल तक जा सकते हैं, ये नहीं है कि भाई हम चिकन वगैरह खा के जा सकते हैं। तो काफ़ी संघर्ष किया इन लड़कियों ने, किराया नहीं होता था इनके पास जाने के लिए, सच्चाई है, इनसे पूछना, मैं बता रहा हूँ किराया नहीं होता था, मैं खुद लेके जाता था इनको, कोच साहब ने भी बताया इनके साथ में दोनों लड़कियाँ का ऐसा ही है, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा नहीं है, सब नीचे से आते हैं, और अभी बता रही थी शिक्षा जैसे हारते हैं जीतते हैं, हारेगा सीखेगा, जीतता तो जीतता है, हारने से क्या है सीख रहे हैं, ठीक है। तो अनुशासन में और कोच की रिस्पेक्ट ये सबसे पहले है। थैंक यू। बागड़ू गांव है ओली क्रॉस में, मेरा मेरा जाना है, मेरा मेरे को ना आने का पता है, मैं बोल कर समझ से मैं तो सबसे आता हूं, ये पूरे फिर चेक होते हैं, चल तेरी मर्जी है, तो मैं लेके चलूं फिर चेक ही करवा, यू क्या बनाऊं क्या ऐसे ही होते हैं। यू होल्ड द माइक, नो इशू, जानवी यू होल्ड, रोकना
I'm in. Full send. Innova send. Vehicle send. कर लो राम, तू मार अब। बोलो बोलो, इन्वॉल्व हुआ करो हमेशा कोच के साथ, ट्रेनर के साथ। बताओ क्या? अच्छा स्ट्रेट मार रहा है। देखो वो उसकी कैचिंग बार करो। क्लैप क्लैप। ये पूरा टर्न कर रहा है बॉडी, है ना? अब पैर भी देखो, और शोल्डर भी फेस पे, अगर ऊपर लेफ्ट भी मारा तो वो ब्लॉक भी हो जाएगा, ठीक है? चिन भी दबा रहा है, तो ऐसे होल्ड करवाने का मतलब ये होता है, लेफ्ट मार के रोकने का मतलब ये, तुम देखो ये गलत है या सही है, ठीक है? खुद से कंपेयर करा दो इस चीज।
वन टू वन मारेंगे आगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट अप अप अप, पैर भी लगे अप अप अप, सेम पीछे लेफ्ट राइट लेफ्ट जल्दबाजी में तीन हाथ चला दिए, तीन पंच मार दिए, पैर दो बार रखे, इसका कोई फायदा नहीं, तीन बार पैर रखो फिर अब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आराम आराम से पैर रखो, आराम आराम से पंच मार रखो, लेकिन पैर और आर्म साथ में नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन में ना हो। आगे मारो, अप, अप, डायगोनल करो, डायगोनल। Thank you.